हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन और एसटीआई इन्फेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में। फंगल इन्फेक्शन अगर हो जाता है हमारे शरीर में तो उसको हम दो तरीके से ठीक कर सकते हैं, एंटीफंगल ड्रग्स से या फिर एंटीफंगल पाउडर से। तो एक जो बेस्ट सोल्यूशन हम अपने घर में आसानी से यूज़ कर सकते हैं वो क्या है और क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, आइए देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप ये 1% क्लोट्रिमाजोल डस्टिंग पाउडर ले लेते हैं तो ये आपके बहुत सारे काम में आ सकता है। अगर आपको पसीने से इन्फेक्शन हुआ है या फिर घमौरियाँ हैं या प्राइवेट पार्ट में कुछ दी है या फिर नॉर्मल रेडनेस या फिर रैशेज अगर हो गए हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये पाउडर कई कंपनियों में आता है, आपको कौन सा लेना चाहिए इस बारे में डिस्कस मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। अगर आपकी प्रॉब्लम इससे सही हो जाती है तो बहुत अच्छा है, और आपकी बहुत ज़्यादा सीवियर पोजिशन है तब आपको कुछ दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी और जिसके लिए डॉक्टर को दिखाना या डॉक्टर को उस प्रॉब्लम को देखना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं एसटीआई की। एसटीआई क्या होता है? बेसिकली एसटीआई वो इन्फेक्शन है जो कि शारीरिक संबंध बनाने से एक से दूसरे में आता है। अब ऐसा नहीं है कि हमारा एक रिलायबल पार्टनर है तो उससे एक शारीरिक संबंध बनाने में आ जाएगा, जिसको ये बीमारी होगी उसी से ये हमारे अंदर आएगा। यानी ऐसा कोई बंदा जिसको जनन अंगों पर दाने, खुजली, घाव या कुछ और है और आपको नहीं पता है और आप उससे शारीरिक संबंध बनाते हैं तब ये एक से दूसरे में आ सकता है। ये मेल टू फीमेल भी एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है, ये मेल टू मेल जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स होते हैं उससे भी एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है, ये ओरल सेक्स जो लोग करते हैं उससे भी एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। तो ऐसे में आप जिस पार्टनर से मिल रहे हैं वहां ये ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं उसको एसटीआई ना हो, उसके जनन अंगों पर दाने, खुजली या किसी तरीके की बीमारी ना हो। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसके लिए एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है, तो आपको इसके लिए एक डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और उसके लिए एक बेस्ट और सही सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं जहां फ्री ऑफ कॉस्ट की दवा ले सकते हैं। अपने नजदीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप जाकर वहां पर एसटीआई क्लिनिक बने हुए हैं, आपको जाना है सीधा पर्चा बनवा के सीधे एसटीआई क्लिनिक में कॉन्टेक्ट करना है और वहां पर आपको इसकी दवा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। बाहर बहुत महंगी मिलेगी लेकिन वहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और आप उसका पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट वहां से ले सकते हैं। ये कई तरीके की बीमारियां इसमें होती हैं जिसमें क्लेमाइडिया है, गोनोरिया है और सिफिलिस होती है। इसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं और अगर हम उनको डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यही होता है कि जनन अंगों के आसपास दाने, खुजली और उससे रिलेटेड बहुत सारी अनकंफर्टेबल आपको फील करना और प्रॉब्लम्स होना। तो ये अगर इस तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको नजदीकी अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एसटीआई और आरटीआई क्लिनिक जो बने हुए वहां पर दिखाना है। मैंने जो आरटीआई अभी बोला है उसका भी मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, कुछ लोगों को हो जाता है बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के भी, तो वो भी वहां दिखा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन Keep smiling. See you in next video.